अक्सर ही साडे आले दुआले अजिहे लोग हुंदे ने जिन्हां नूं अपनी जिंदगी तों इलावा दूजियां दी निजी जिंदगी दे विच ज़्यादा दिलचस्पी हुंदी है। तुहानूं बहुत सारे लोग सोशल मीडिया ते भी मिल जाणगे जो कि किसी दे ट्वीट करन ते उन्हां नूं ट्रोल करन लग जांदे ने। जेकर उन्हां दी कोई अजिही फोटो वेख लैण तां फिर तां कहो कि उह हथ धो के पिछे ही पै गए। कुछ अजिहा ही वापरिया है 69 सालां दी भारतीय अभिनेत्री दे नाल। जी हाँ, रजनी चैंडी जो कि एक भारतीय अभिनेत्री ने अक्सर ही उन्हां नूं साड़ियां दे विच ही वेख्या गया है, पर उन्हां दे वल्लों एक अजिहा फोटोशूट करवाया गया जिस दे कारण उन्हां नूं काफ़ी ट्रोल होना पिया। तुहानूं दस दईए कि रजनी चैंडी ने अपने आकर्षक फोटोशूट दीआं तस्वीरां फेसबुक ते सांझियां कीतियां। उन्हां नूं अंदाज़ा नहीं सी कि इह वायरल होण जाणगियां अते अनैतिक ट्रोलां दा ध्यान खिंचणगियां। तस्वीरां दे विच 69 सालां घरेलू औरत जो अभिनेत्री भी हन ते आम तौर ते रंगदार खूबसूरत साड़ियां पहने हुए ही नज़र आउंदे ने। तुहानूं दस दईए कि उन्हां दे वल्लों कुछ अजिहियां तस्वीरां फेसबुक ते पाईआं गईआं जिस तों बाद उन्हां नूं कुछ लोगों ने काफी ट्रोल किया। भारत के दक्षिणी सूबे केरला जिथे वह रहते हैं, उतों के स्थानक मीडिया के वालों उन्होंने दलेर और खूबसूरत लेडी कहा जाता है। इस फोटोशूट ने रूढ़ीवादी सूबे जिथे बहुतियां औरतां हाले भी साड़ी या फिर रिवायती पोशाक पहनदियां ने उन्होंने काफ़ी हैरान कर दिता है। जिक्र खास है कि चैंडी ने एक निजी चैनल नू अपने विचार सांझे करते हुए दसिया कि फोटोशूट का विचार अपने गैर रिवायती काम लिए जाने जाते 29 साल फोटोग्राफर आथीरा जॉय का सी। जॉय कहते हैं कि जिस गल ने उन्होंने अभिनेत्री वाल आकर्षित किया वह सी कि किस तरह चैंडी उन्हों की अपनी माँ तो भी वख सी। वह कहते हैं भारतीय औरतां विआह प्रणाली दे विच बन जांदियां ने ते अपनी जिंदगी उस तरीके दे नाल ही गुजारदियां ने। वह परिवार नूं पालन विच लग जांदियां ने। बहुतियां 60 साल की उम्र विच जिंदगी जीउणा ही छड्ड दिंदियां ने। वह अपने पोते पोतियां की देखभाल करदियां ने अते बहुतियां अते कुछ औरतां गंभीर बीमारियां दा भी शिकार हो जांदियां ने। उन्हां दा कहना सी कि पर रजनी चैंडी दे विच इक अलग गल है, वह अपना ध्यान रखदे ने, वह तंदुरुस्त ने, दलेर ने ते खूबसूरत भी ने। जिक्र खास है कि चैंडी रिवायती केरल समाज तों हमेशा बाहर ही रहे। कई दहाके मुंबई जिथे उन्हां दे पति एक विदेशी बैंक विच काम करदे सन उत्थे उन्हां ने समा बिताया। समा बिताउण तों बाद 1995 विच केरल वापस आए। उस दौर विच जदों जीन्स पहन के अते लिपस्टिक लगा के बाहर जांदे तां लोक उन्हां वल बहुत ध्यान नाल वेखदे सन। उन्हां ने कहा कि एक बार उन्हां ने बिना बाहां तों ब्लाउज़ की पा लिया उन्हां नूं वरजिया गया। जिक्र खास है कि वह काफ़ी फिल्मों के भी नज़र आए ने। पिछले साल उन्होंने बिग बॉस बिग बहादुर का मलयालम संस्करण के दूजे सीजन के हिस्सा लिया। आखिरकार उन्होंने यह तस्वीर क्यों खिंचवाइया जिस करके उन्होंने ट्रोल होना पिया? चैंडी कहते हैं कि उन्होंने यह तस्वीर वड्डी उम्र के लोगों उत्साहित करने लिए खिंचवाइया सन कि वह विश्वास करन कि हाले भी जिंदगी माण के नाल जीना चाहिए है। वह कहते हैं बहुत नौजवान जोड़े अपनी जवानी बच्चों के पालन पोषण के गुजार देंगे ने। वह अपन इच्छावान पिछे धक् देंगे ने और फिर एहसास होंगे अपने सुपने पूरे करने लिए बहुत देरी हो चुकी होंगी है क्योंकि उन्होंने चिंता होंगी है कि समाज की कहेगा। उन्होंने कहना सी कि उन्होंने यह फोटो इस करके खिंचवाइया सन कि वह कपल जो कि अपने सुपने बहुत पिछे छड़ चुके ने उन्होंने वह उत्साहित कर सकन। आखिरकार चैंडी नूं ट्रोल क्यों किया गया? जिक्र खास है कि चैंडी नूं इस करके ट्रोल किया गया क्योंकि उन्होंने जो पाया सी वह काफी लोगों नूं पसंद नहीं आया। जिक्र खास है कि लोगों ने इस मौके ते उन्होंने सलाह दी कि वह घर बैठ जाने ते बाइबल पढ़न। लोगों ने यह भी कहा कि वह अरदास करन अपना शरीर ना दिखाउण। दरअसल ट्रोल असल दे विच दो तस्वीरां तों शुरू होए। एक विच उन्होंने डिस्ट्रेस्ड जीन पहनी हुई सी, लत्तां खोल के बैठे हुए सन, इस विच उन्हां दा क्लीवेज भी नजर आ रहा सी। दूसरे विच उन्हां ने एक छोटी डेनिम पोशाक पहनी हुई है। यही तस्वीरां सन जिस करके वो ट्रोल हुए, पर चैंडी ने भी इन्हां ट्रोलर्स नूं काफी मजेदार जवाब दिता। उन्हां दा ट्रोलर्स नूं कहना सी कि मैनूं लगा सी शायद मैं खुल के बोलन वाली हाँ, तुसीं इस करके मैनूं पसंद नहीं करदे। मैं उन्हां नूं कहनी हाँ अपना समां मेरे ते बर्बाद करन दी बजाय तुसीं अपनी ऊर्जा दी वरतों देश लई जां फिर दुनिया लई जां फिर धरती मां लई कुछ चंगा करन दे विच क्यों नहीं बिताउंदे। पिछे उन्हां ने क्वेश्चन मार्क छड्ड दिता सी। जिक्र खास है कि हर एक दी अपनी निजी जिंदगी है। कुछ लोगों नूं आदत हुंदी है कि दूसरियां दी जिंदगी दे विच दखल अंदाजी करदे ने। ब्यूरो रिपोर्ट, अनखीला, पंजाब टीवी।